हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को लगे झटके की आवाज बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव तक पहुंची है। कारण है चिरंजीव राव, जो कांग्रेस के टिकट पर रेवाड़ी विधानसभा सीट से मैदान में उतरे लेकिन 28,769 वोटों से मात खा गए। अब चिरंजीव राव आखिर हैं कौन? लालू यादव से उनका क्या कनेक्शन है? क्या उनके लिए बिहार से कोई प्रचार करने आया भी था? हार का सामना क्यों करना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब आपको हम देंगे इस वीडियो में। आखिर तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। रेवाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के चिरंजीव राव को 28,000 से भी ज्यादा वोटों से मात दी। उनको 83,747 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के चिरंजीव राव को 54,978 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के सतीश यादव को 18,427 वोट मिले हैं। भाजपा से हारे चिरंजीव राव दरअसल लालू यादव के दामाद हैं। उनकी शादी लालू यादव की बेटी अनुष्का यादव से हुई है। जिस सीट से चिरंजीव हारे हैं वो सीट 1967 से लेकर अब तक कांग्रेस का अभेद किला रहा है। इस सीट से चिरंजीव के पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव 1991 से 2009 के बीच लगातार 5 बार विधायक रहे। 2019 के चुनाव में कैप्टन अजय यादव के बेटे और लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव को 43,870 वोट मिले थे और वो चुनाव में विजयी भी रहे। भाजपा इस सीट पर सिर्फ एक बार 2014 में जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन इस बार भाजपा ने कांग्रेस को मात दे दी और हरियाणा की ये सीट अपने नाम कर ली। यहां तक कि इस सीट से खुद चिरंजीव राव ने डिप्टी सीएम बनने का दांव तक चल दिया था, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। चुनाव प्रचार के दौरान चिरंजीव राव ने ये वादा किया था कि डिप्टी सीएम का पद लेकर लौटूंगा, लेकिन अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। इस बार चिरंजीव राव के लिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई कांग्रेस के बड़े चेहरों ने प्रचार किया था। यहां तक कि चुनाव प्रचार में पूरा राजद महकमा जुट गया था। तेज प्रताप यादव रेवाड़ी में रोड शो करते नजर आए थे। चिरंजीव की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच बड़ा उलटफेर हो गया और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। रेवाड़ी में पिछली बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। इस बार भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव के उतरने के बाद यही माना जा रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। पहले चुनाव लड़ चुके सतीश दोनों बार 35,000 से ज्यादा वोट ले चुके थे, लेकिन इस बार वाले चुनाव में 20,000 वोट भी नहीं मिल पाए। चुनाव के अंतिम वक्त में यह मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो गया। त्रिकोणीय मुकाबले की अटकलें जो लगाई जा रही थी वो वोटों की गिनती में कहीं नजर नहीं आया। आमने सामने की टक्कर में भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ गई, कांग्रेस हार गई। चिरंजीव की हार का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस। इसके अलावा ग्रामीण इलाके ही नहीं बल्कि शहर में भी उनके खिलाफ साइलेंट तरीके से विरोध बन रहा था, लेकिन वो इसे भांप नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी इलाके में बढ़त नहीं मिल पाई और हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।